चलो दोस्तों, आज हम कोकनी स्टाइल में मछलियों की पातुली करेंगे। ये कोकन स्टाइल में इसको पातुली बोलते हैं, जो पत्ते में बनाई जाती है। देखो, पहले सबसे पहले हम देखो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएंगे। देखो, हम नदी पे आए हैं। नदी के निचले छोर पर हम जाएंगे। उधर डैम है, उस डैम में हम जाला डालेंगे। देखो, ये बहुत बड़ा डैम है, इसमें हम जाला डालेंगे। इसको रोशनी रोशनी धरन बोलते हैं, रोशनी धरन। एक छोटा सा डैम है। देखो, ये जाला है, ये जाला हम एक कोने में बिछाएंगे। ये बड़े मछलियों का जाला नहीं, छोटे मछलियों का जाला है। देखो, अभी एक छोर में बांधा है, अभी हम उसको छोड़ते छोड़ते दूसरे छोर में लगा देंगे। देखो, ऐसे इस छोर में बांधा है, और थोड़ा 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 करके छोड़ के उस कोने में हम जाएंगे। देखो, ऐसे करके, देखो ऐसे धीरे 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 उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो अगर आप किधर भी लग गया तो हो ये होता है। इसलिए देखो, अगले छोर में हमने बांध दिया। देखो, बांधने के बाद क्या करते हैं, क्या करना है, दूसरी छोर, इस छोर से उधर छोर में बांध दिया तो क्या करना पड़ता है, फिर पत्थर इधर उधर फेंकना पड़ता है, क्योंकि मछलियों को आथरा तपरी मच जाती है। क्या होता है, वो भागने के इधर उधर भागने के फिराक में वो जाले में फंस जाता है। देखो, ये दूसरा जाले वाला, ये भी पुराना ट्रिक है, इसको भाली बोलती है। ये खाली फेंकने की और उठाने की, देखो एक जगह रहेगी, खाली फेंकने की और ऐसे उठाने की। देखो, धीरे 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 उठाते हैं और उठाने। चलो, हम अपने जाले की ओर जाते हैं। देखो, अभी पत्थर भीतर फेंके हमने इधर उधर, अभी उसको जमा कर रहे। देखो, उस छोर से इस छोर तक जमा करते करते देखो ऐसे ऐसे इसको लपेटना है। देखो, ये बहुत ही साधारण और अच्छी स्टिक है। मछलियाँ जल्दी फंस जाती है इसमें। देखो, मछलियाँ फंस गई है। ये जाला बड़े का छोटों का ऐसा रहता है, ये छोटो मछलियों का जाला है। देखो देखो, इतने मछलियाँ अभी हमने पकड़े, आधा घंटे में ही इतना, हमने आधा घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट हो गए और हमने इतनी मछलियाँ पकड़े। कम से कम ये आधा किलो तो मछलियाँ होगी। ये दो प्रकार की मछलियाँ है, एक इसको क्या बोलते हैं, मड़े बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, हमारे भाषा में इसको मड़े और पीलू बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या क्या बोलते हैं, क्या मालूम, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो, बहुत सारी मछलियाँ हमने पकड़ी है एक ही जाले में। एक ही जाले में कम से कम आधा किलो के ऊपर हमने मछलियाँ पकड़ी है। देखो देखो दोस्तों, ये दो प्रकार की मछलियाँ है। देखो, एक मले और एक वो पीलू, ऐसे होते उसको ऐसे बोलते। चलो, हमने बहुत बहुत मछलियाँ पकड़े। हम अभी रेसिपी आपको दिखाएंगे, इसको बोलते हैं पातुली रेसिपी। देखो, पहले सबसे पहले मछलियाँ धो ले। धोने के बाद जो साग का पत्ता होता है, साग का किसी का भी जो बड़ा पत्ता है वो आप ले सकते हो, उसमें धो के डाल दो। देखो, अभी धोया है हमने। धोने के बाद क्या करिएगा, जो सादा सिंपल यही, देखो इसको बोलते आंबाड़े बोलते, इसको थोड़ा सा हाथ में घिस लेने का और आंबा डालने का, और रेड चिली डालने का, थोड़ी सी हल्दी डालने की और नमक डालने का, स्वाद अनुसार नमक डालो।
और क्या करे उसमें जो आंबड़ी वो आंबड़ी डाली है वो मिक्स करने का। देखो इसी तरह आप मिक्स कर सकते और थोड़ा सा उसमें ऊपर से तेल डालेगा। देखो तेल डाले तो फिर उसको मिक्स करिएगा। देखो इसी तरह मिक्स उसको पूरा का पूरा मछलियों को जो मीट मसाला वो पूरा का पूरा लगाना चाहिए। देखो अभी मिक्स हो गए है। अभी क्या करें उसको जो एक पत्ता होता है उसको एक या दो तीन दो दो पत्ती या तीन पत्ती ले उसके नीचे डाल दे। देखो पत्ते में डालकर उसको उसको अच्छे से लपेट ले। देखो इसी तरह देखो ऐसे करने का और ऐसा और उसको चारों बाजू उसको लपेट लेने का और उसको बांध देने का। देखो इसी तरह आप उसको बांध सकते। देखो बांध दिया अभी। देखो हो गया हमारा ये इसको पूड़ा बोलते हैं। पूड़ा हो गया। देखो हो गया अभी एकदम पूड़ा वगैरह हो गया। अभी इसको क्या करेंगे हम चूल्हे में डाल देंगे। देखो चूल्हा है उस चूल्हे में हम उसको डाल देंगे। देखो इसी तरह आप चूल्हे में डाल सकते हैं उसको। वो अंदर तक जाए इसका ख्याल रखे इसलिए उसको देखो ऐसे ही उसको ऐसे ही डाल दे। देखो और ऊपर से जो लकड़ी आए वो लकड़ियाँ जला दे। देखो ऐसे उसको ऊपर से लकड़ियाँ जला दे। देखो ऊपर जो गौरी वगैरह होता है जो लकड़ियाँ ऊपर से डाल दे और उसको देखो ऐसे जला दे। जला देने से क्या होता है 4-5 मिनट ऐसे उसको अच्छे से पकने दे। देखो 4-5 मिनट हो गया अभी वो अच्छे से पक गया होगा। अभी उसको हम निकालेंगे। देखो हमने निकाला है। हमसे क्या थोड़ी सी गलती होगी उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा पकाया। आपको इसको ज़्यादा पकाना नहीं है थोड़ा हमने 5 मिनट बोला तो 5 मिनट बोला था मगर थोड़ी सी देरी हो गई 8-9 मिनट उसके हो गए इसलिए थोड़ा सा जल गया है मगर ये जल गया नहीं ये भी अच्छा है। देखो इसको अभी हम निकालते हैं। देखो थोड़ा सा जल गया है थोड़ा इसको अब न देखो देखो बहुत इसका स्वाद दोस्तों अलग रहता है जो मछली हम पकाते हैं उससे भी अलग होता है। जो हमने आंबाड़ी डाली है ना वो थोड़े से खट्टा होता है मीट वगैरह ये थोड़ा उसका स्वाद ही एकदम अलग सा होता है। देखो दोस्तों देखो एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आपको अभी दिखाएंगे। देखो एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है ये। आप ऐसे ही बना सकते हो इसको। कोकन स्टाइल में पातुली बोलते हैं। ये पातुली बहुत फेमस है। इसको जो काम वगैरह करते खेत में मछलियाँ पकड़ते वो ऐसे करके ही खाते। देखो इसका स्वाद दोस्तों एकदम मस्त रहता है। ये भाप से ही पका हुआ है इसलिए इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। चलो दोस्तों देखो अभी बनाया है। उम्मीद करता हूँ तुमको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।